क्रिकेट जगत के वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया है ब्रेक, और वो कौन सा क्रिकेटर होगा आने वाले दौर का जो इन रिकॉर्ड्स को करेगा तहस नहस। तो इसी बारे में आज मैं इस वीडियो से आपसे करने वाली हूँ ढेर सारी बातें, तो एंड तक बने रहें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, आपका प्यार बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं। मैं गरिमा फिर से हाजिर आपके सामने एक धमाकेदार शानदार बेहतरीन तुम्हारी वीडियो लेकर। तो जैसा कि मैंने कहा, क्रिकेट जगत के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया है ब्रेक, और कौन होगा वो क्रिकेटर जो इन रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वेस्ट इंडीज के काफी पुराने कप्तान, बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज ब्रेन लारा ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, उनके 400 और 500 रन बनाने के दो रिकॉर्ड्स हैं जो आज तक क्रिकेट में कोई तोड़ नहीं पाया है। इनफैक्ट तोड़ना तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात होती है, उसके नजदीक भी आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जो कि नामुमकिन भी है। लेकिन उन्होंने खुद अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि शुभमन गिल जिन्हें वो मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर मानते हैं कि वो उनके ये रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। 24 साल के इंडियन प्लेयर शुभमन गिल, जो कि भारत टीम के ओपनर हैं, वो इन रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो लारा को लगता है कि अगर गिल काउंटी मैच खेलते हैं तो वो इजिली 501 का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और टेस्ट मैच में वो 400 से ज्यादा रन भी इजिली बना सकते हैं। तो जिस हिसाब से लारा ने स्टेटमेंट दी है उससे साफ जाहिर होता है कि क्रिकेट में बैटिंग का जो खेल है वो अब काफी चेंज हो गया है। स्पेशली टी ट्वेंटी से तो स्कोरिंग रेट काफी हाई हो चुका है, और खासकर IPL ने तो भाई सब बदल डाला है, और इसीलिए लारा को लगता है कि शुभमन गिल रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। रिकॉर्ड भी मैं आपको बता देती हूँ कि लारा ने टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन बनाए थे, जिसके बाद 1994 में भी उन्होंने एक मैच में 501 रन बनाए थे। ये दोनों ही रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। वहीं अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं तो वर्ल्ड कप में हमने जैसे उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा है, तो उनका बल्ला थोड़ा डामाडोल ही रहा है, जिसके बारे में भी लारा से पूछा गया कि इसके बावजूद आपको लगता है कि वो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि गिल ने भले ही वर्ल्ड कप में कोई शतक नहीं जड़ा हो, लेकिन उन्होंने पहले ही बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, उन पर भी गौर करें। अगर फॉर्मेट की बात करें तो हर फॉर्मेट में उन्होंने शतक जड़े हैं। वनडे की बात करो तो दोहरा शतक उन्होंने जड़ा है, IPL में भी उन्होंने काफी यादगार पारियां खेली हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को भी थोड़ा ध्यान में रखें। और कुल मिलाकर बात यह है कि 2023 में शुभमन गिल काफी अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं। वहीं मैं आपको उनके रिकॉर्ड्स के बारे में भी बता देती हूं। ODI में 29 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें 1584 रन बनाए हैं 63.3 की एवरेज के साथ, जिसमें 5 सेंचुरी, 9 हाफ सेंचुरी, और बेस्ट स्कोर उनका रहा है 208 रन। वहीं T20 इंटरनेशनल भी उन्होंने खेले हैं, जिसमें 11 मैचेस में उन्होंने 304 रन बनाए हैं 30.4 एवरेज के साथ, और 5 टेस्ट मैचेस भी उन्होंने खेले हैं, जिसमें 32.8 एवरेज से उन्होंने 230 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका के साथ दौरे पर वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो T20 और टेस्ट मैच में भारत के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस फॉर्म में शुभमन गिल 2023 में नजर आए हैं, क्या उनकी ये फॉर्म बरकरार रहेगी अगले साल भी? मैं तो यही कहूंगी कि अगले साल क्या, साल दर साल वो अच्छी और अच्छी फॉर्म में खेले भारत के लिए, हमें इससे बड़ी खुशी क्या मिलेगी। तो आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं भाई, कमेंट सेक्शन किस लिए है, धड़ल्ले से कमेंट कीजिए, अपनी राय हमें बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें, खुश रहें, टाटा बाय बाय।